कहाँ जाना है? वैष्णो देवी। अच्छा आगे आ जा। बैग चेक करवाना सर। मत्था टेकन जा रहे हैं? हाँ जी सर। वैष्णो देवी? हाँ जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह का डेट है 3 जनवरी और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमेशा की तरह तुम्हारा भाई सबसे पहले तैयार हो चुका है। जिस चीज़ की उम्मीद थी वो नहीं मिली भाई। फॉग सोच रहे थे कि भाई सुबह सुबह फॉग मिलेगी, फॉग कहीं नहीं है, बिल्कुल साफ है। और बाकी हाईवे वगैरह पे देखते हैं कितनी कुछ मिलती है फॉग। वैसे उम्मीद कम ही है क्योंकि हवा चल रही थी सारी साफ हो चुकी है। अगर होने उतनी रात हो जाती पीछे साफ है सारा मौसम। और अब निकल रहे वैष्णो देवी के लिए। मैं अभी यहाँ से अकेला जा रहा हूँ, करनाल एक भाई और मिलेगा, वो स्प्लेंडर पे ज्वाइन करेगा मेरे को और वहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी सामान वगैरह बांधते हैं और फिर निकलते हैं आगे, मिलते सीधा आपको। देख सकते हो एक्टिव बिल्कुल शाइन मार रही है, रबिंग वगैरह पॉलिश वगैरह मार के बिल्कुल चकाचक खड़ी कर दी थी। सामान वगैरह सारा पैक है, बस इसके ऊपर रखना है और निकल देना। एक्टिव भी अभी 31,141 किलोमीटर चली है। अब देखते हैं पूरा ट्रिप कितने किलोमीटर का पड़ता है। अभी स्टार्ट करके छोड़ 5-10 मिनट और फिर कितना मैं खुद तैयार हो जाता हूँ और फिर तैयार होके फिर निकलते सीधा। घर से निकलते ही भाई बारिश स्टार्ट होगी हल्की हल्की अभी फ़िलहाल। और बाकी अभी रेनकोट वगैरह बैग में ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, नहीं तो नहीं। और बाकी भाई टाइम तो पास के करीब हो गया और एक जो यार दोस्त है वो करनाल मिलेगा, करनाल या फिर अम्बाला। और बाकी वहीं पे जाके देखते हैं कैसा कुछ होता है, बारिश देखते हैं कहाँ तक रुकती है। अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर रुकना पड़ेगा हमें। पानीपत का टोल तो होगा क्रॉस, अब बस टोल ही टोल गिनने हैं लखनपुर बॉर्डर तक। देखते हैं भाई कितने टाइम तक पहुँचते हैं। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, फिर भी चलना पड़ रहा है क्योंकि भाई लेट हो जाएंगे ज़्यादा। तो भी मिलते हैं आगे। ग्राउंडा पहुँच गए, यहाँ पे रोड वगैरह देखो पूरे गिल्ले हो रखे हैं। यहाँ मेरे ख्याल से हुई है सुबह बारिश तो यहाँ थोड़ी स्लो रखनी पड़ेगी। स्कूटी वगैरह का क्या होता है ना, छोटे टायर होते हैं तो स्लिप वगैरह करने का ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए आराम से सेफ्टी से चलेंगे। कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे रात तक। वैसे अगर नहीं बताया मैंने अभी तक तो भैया हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। मैं यहाँ से पानीपत से किला जा रहा हूँ, अम्बाला यार दोस्त है वो जाएगा मेरे साथ। तो भाई देखते हैं भाई 2-3 दिन की ट्रिप रहेगी, माता रानी के दिया से बढ़िया तरीके से चले जाए, बढ़िया तरीके से आ जाए। और बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। वैसे घर से तो सोच के चले भाई पटनीटॉप तक जाएंगे और बाकी भाई वहीं जाके देखते हैं भाई क्या सब कुछ बनता है। मौसम वगैरह पर डिपेंड रहता है सारा, अगर मौसम सही रहा तो जाएंगे भाई, अगर मौसम ख़राब होया तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद कटरा में स्टे करेंगे, फिर वापस घर की तरफ निकल जाएंगे।
भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और अम्बाला यहाँ से 30 किलोमीटर आ गया और घर से मैं 85 किलोमीटर आ गया, डेढ़ घंटे में 85 किलोमीटर अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखी भाई, क्योंकि तो बारिश तो मिली नहीं वैसे, पर गिल्ला ज़्यादा था, रोड तो स्लो स्लो 30-40 की स्पीड में रखने, क्योंकि एक्टिव के टायर भाई स्किड ज़्यादा करते हैं तो इसलिए थोड़ी स्लो रहा है। और बाकी अब कुरुक्षेत्र के बाद तो सारा रोड अभी तक तो फिलहाल सही है, और बाकी अभी यहाँ खींचते हैं हम अम्बाला तक और अम्बाला पहुँच के मिलते सीधा। अम्बाला क्रॉस हो गया और सोनू भाई पता नहीं कहाँ मिलेगा, यहीं पे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले जब फ़ोन आया था तो यहीं पे कहा था धनुष के पास खड़े मिलना, देखता हूँ फ़ोन करके देखते हैं कहाँ पे, पूछते हैं एक बार। 10-12 मिनट के करीब हो गया भाई यहाँ खड़े खड़े, फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं आगे निकल गए या पीछे रह गए कुछ पता नहीं, अब देखता हूँ 10-5 मिनट वेट करके। टाइम भाई 8 बज गए और अम्बाला क्रॉस करके अभी रुका हूँ, सोनू भाई और पीछे बारिश वगैरह आ गई थी तो उसके लिए रुक गए थे, बाकी ठंडी हवा चल रही है बहुत, मेरे को महसूस नहीं हो रही ठंड, मैंने तो बहुत सारी जैकेटें वैकेटें पहन रखी है और बाकी ग्लव्स वगैरह में लग रही है थोड़ी बहुत ठंड, बाल भी बिल्कुल बिखरे बिखरे से हो गए सारे, और बाकी भाई वेदर एक नंबर का हो रखा है, बिल्कुल पीछे ग्रीनरी है। तो भाई चाय वगैरह पी ली और अब निकलते, टाइम भाई 8:30 के करीब हो गया, 420 किलोमीटर लगभग दिखा रहे हैं यहाँ से कटरा, देखते हुए किस टाइम तक पहुँचते हैं, अभी तो निकलते हैं सीधा। सर इंदी यहाँ से मेरे ख्याल से 16-17 किलोमीटर रह गया और अप्रोक्स मेरे ख्याल से ना 370 किलोमीटर के करीब रह गया यहाँ से कटरा, लगभग लगभग 8 घंटे के करीब हमें लग जाएगा कटरा पहुँचने में टाइम। और बाकी इस वाले रूट पे पहले हम सोच रहे थे खरड़ रोपड़ वाले रूट से जाएं तो इस वाले रूट से छोटा पड़ रहा है, और बाकी भी देखते जिस हिसाब से पहुँचेंगे। पूरे पंजाब में नहीं लग रहा कहीं पे भी, ये पीछे ये भी टोल ना कहीं था पानीपत जलंधर, बैग चेक करवाने सर, की काम कर रहे हो सर? ट्रैवलिंग का काम है सर, कपड़े है सर कपड़े, वैष्णो देवी जा रहे सर, पानीपत से आए सर, पानीपत से आए, हाँ जी, इसमें बैटरी है सर, चार्जर है, ट्राईपॉड है, ये सर पैंट है सर, राइडिंग पैंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे गिरते इससे बचाव हो जाता है, गिरते गिरते है ना तो सर ये गोड्डे वगैरह सेफ रहते हैं, सेफ हो जाते हैं। हाँ जी, आपसे मत्था टेकन जा रहे हैं? हाँ जी सर, वैष्णो देवी, हाँ जी, सेफ्टी रही है? हाँ जी सर, सेफ्टी शूज भी हो रही है, एल्बो नहीं का पूरी है। हाँ जी सर, जाए सर, थैंक यू सर, ना नंबर जा रखा जी मेरे, हाँ जी सर, ना नंबर लिखा के चल जाओ मोटर गाड़ी का,
पूछ रहे थे भाई कहाँ पे जा रहे हो, बैग में क्या है, ये क्या है, इससे सेफ्टी होती है। फिर एंट्री वगैरह कराई है, एक्टिव का नंबर लिखवाया और अब भेज दिया। लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चेक करा, बस बैग भी खोला खोला था और कुछ नहीं देख करा। आपने देखा भी होगा जम्मू पठानकोट वाले रोड पे चढ़ गए, यहाँ से 240 किलोमीटर के करीब रह गया कटरा। टाइम होगा भाई 12:30 के करीब, 320 किलोमीटर पानीपत से कवर कर लिया अभी तक। और भाई बारिश नहीं पीछे छोड़ रही, अभी भी बारिश का मौसम होगा। अभी रुके हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलेंगे। सुबह से बारिश में चल रहे थे, पानी सारी जगह भरा हुआ था, बैग वैग सब उतार के रख लिए हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं कितनी तेज़ बारिश है। टाइम लगेगा, यहाँ लग जाएगा ना, बारिश में दिक्कत हो जाएगी ना। 250 किलोमीटर आ गया, अगर जब बारिश नहीं हुई तो 6-7 घंटे में आराम से पहुँचेंगे, 7 बजे तक आराम से कटरा पहुँचेंगे। पर बारिश काम ख़राब करेगी, दिख रहा रास्ते में रुकना पड़ेगा आज तो। जिसका डर था वही हो गया, बारिश होगी स्टार्ट, अब कोई भरोसा नहीं कब रुकेगी कब नहीं। लगभग 2 घंटे करीब चला लेना बारिश में, 2 घंटे बारिश में चला ले भाई। स्कूटी की हालत ऐसी होगी बिल्कुल किचड़, बैग वैग सब गिल्ले हो गए, बैग वाटर प्रूफ है इसलिए बच गए, बाइक का तो हो गया पूरा गिल्ला। ये भी जा गए करेंगे रेस्ट। अभी फ़िलहाल लखनपुर बॉर्डर पे हूँ और फॉर्म फिल कर दिया, ये कोविड टेस्ट का भी सैंपल लेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे एंट्री होगी, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। अभी देखते हैं क्या कुछ आएगा सैंपल में। कहाँ जाना है? वैष्णो देवी। यार बहुत है तेरे, बड़ी दूर से आ रहे हैं हम, ठंड से नहीं रुकता। आ गया जा। सारा सिस्टम ही लिया, आँखों में से पानी आ गया भाई, कभी अंदर एकदम घुसा देना आग में। लो भाई पास हो गया आज, नेगेटिव आ गया। अब निकलते हैं आगे और एंट्री करा के उस साइड। लखनपुर बॉर्डर क्रॉस कर रहे खड़े भाई, और यहाँ से कटरा 140 किलोमीटर रह गया, और कटरा 2 घंटे से भाई लगातार बारिश में चलाई है। अभी एक्टिवा पूरे कपड़े सब गिल्ले हो गए, वो तो बैग वाटर प्रूफ है, उसमें कुछ गिल्ला नहीं हुआ होगा पक्की बात है। और बाकी जो ये बैकपैक है इसमें थोड़ा बहुत सामान है, वैसे गिल्ला होने का कुछ है नहीं और ना गिल्ला है। अभी चेक कर लिया, अभी पटाट पटाट खींचते हैं और सीधा कटरा पहुँचते हैं क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश आ गई भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इधर बिल्कुल पानी पानी हो गया, हमारे का तो भाई इधर खुला ही, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश है। कटरा से 70 किलोमीटर पहले भाई बारिश ने सब कुछ भिगो दिया, सारे कपड़े वगैरह सब गिल्ले हो गए, ये बैग पड़े सारे गिल्ले हो गए। बैग अभी खोल के देखा नहीं, अभी खोल के जब पता लगेगा, पैंट वगैरह सब गिल्ली होगी, जैकेटें जो पहन रखा था वो सब गिल्ला होगा, और बाकी बैग का भी देखा नहीं है। बैग अभी खोलेंगे जब देखते इसके अंदर क्या गिल्ला, सुबह देखेंगे यहाँ से निकलेंगे भाई क्योंकि बारिश में कोई फायदा नहीं और चलने का। बैग को खोलते और देखते इसमें है कुछ पहनने लायक या नहीं तो फिर ऐसे कच्चे कच्चे में जाना पड़ेगा। होटल की वही लाइट भी चलेगी, अब फ्लैश से काम करेंगे, जुगाड़ बांधेंगे और मैगी बनाएंगे। खाना खुने का तो कोई हिसाब है नहीं, ये फ़ोन यहाँ लगा देते हैं।
मजबूरी में वही लेना पड़ा होटल, 1200 रुपए का पड़ा ये। संभा, संभा नाम है ना जगह, संभा है जगह। और यहाँ ना लाइट है ना कुछ है, फोन की है बैटरी थोड़ी बहुत चल जाएगी सुबह तक, और बाकी अभी कह रहे थे थोड़ी देर चलाएंगे जनरेटर को और फिर फोन वगैरह चार्ज कर लेंगे, गोप्रो तो हो गया, पावर बैंक चार्ज, और बाकी खाना तो दिन में खा लिया था। और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और बाहर जा नहीं सकते, होटल में कुछ है नहीं, अपना मैगी के पैकेट लेके आए थे बनाएंगे और फिर खा के सो जाएंगे क्योंकि सुबह चल रहे हैं। वह 5:30 से 5:30 12 घंटे है ना, 12 घंटे में 500 किलोमीटर चला के भाई, सारे रास्ते बारिश थी, 200 किलोमीटर कंटिन्यू बारिश में चलाई है। अभी खा के मैगी सोएंगे, मेरे ख्याल से टाइम 7 बजे होंगे, 8 बजे आराम से सोएंगे और सुबह जिस टाइम भी आँख खुलेगी ना उसी टाइम निकल लेंगे। मैगी होगी भाई तैयार, प्लेट वगैरह लानी भूल गए, अभी समय खानी पड़ेगी। चम्मच तो उठा लाए थे घर से, अब फ्राई पैन में ही लगाएंगे मुंह सीधा। टाइम भाई 7:30 हो गया, मैगी वगैरह खा लिया है, सुबह निकलेंगे कटरा के लिए, 60 किलोमीटर है यहाँ से। तो भी इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।